ओके, तो किसी को यहाँ तक कोई डाउट? सर क्वेश्चन, आज मैं इंटरव्यू दे रहा था, क्वेश्चन होस्ट मशीन का आईपी और उससे वर्चुअल मशीन को कैसे दे सकते हैं। हाइपर वी पे, वीएमवेयर पे, किस पे? हाइपर वी में तो हाइपर वी बंद कर दिया मैंने, नहीं अभी अभी मैंने बताया। आप होस्ट वर्चुअल मशीन का मशीन, आईपी, नहीं दोनों आईपी हाँ सेम वर्चुअल थोड़ी को, ना कर सकते हैं आप। होस्ट मशीन और गेस्ट मशीन दोनों को सेम आईपी मतलब सेम नेटवर्क की कैसे देकर कनेक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हाँ है। सेम सेम आईपी नहीं, सेम नेटवर्क की हाँ, आईपी से। तो आप हाइपर वी ओपन करेंगे। अब मान लिया कि मुझे इस विंडोज 10 की मशीन पे मुझे एक कनेक्टर देना है नेटवर्क का, जो कि हमारी वर्चुअल मशीन और बेस मशीन यानी कि होस्ट मशीन दोनों से कनेक्ट रहे। तो आप हाँ हाँ हॉस्ट यही यही। मैनेजर पे आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से एक्सटर्नल क्रिएट अ वर्चुअल ओके स्विच दैट बाइंड्स टू द फिजिकल नेटवर्क एडाप्टर सो दैट वर्चुअल मशीन कैन एक्सेस अ फिजिकल नेटवर्क। समझ में आया? यस यस आई इसको आप गॉट यहाँ से क्रिएट कर दो और इसको जस्ट कोई भी नाम दे दो, जैसे आप किसके लिए दे रहे हैं, होस्ट दैट प्लस गेस्ट, सर। होस्ट, होस्ट प्लस गेस्ट। दोनों के लिए आप जिससे भी समझ जाएं कोई भी नाम दे सकते हैं। प्लस नहीं लगा सकते क्या? कह रहा हो है कि सकता है। पहले से इस पे कुछ वो है, बट जो भी यहाँ पे चेंजेज होगा वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई नहीं, यस कर देते हैं। क्योंकि मैं उसके लिए पूछ रहा था ना, डोमेन फिजिकल है, अगर एक मैंने वर्चुअल सर्वर बना रखा है और होस्ट मशीन पे एक्सेस कर रहा हूँ डोमेन, तो हाँ, तो उसके लिए सेम इसको आईपी, देखो, ये सेम अडाप्टर मैंने एक लगा आईपी दिया, नहीं होगा। ये अडाप्टर मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। ओके अगर ये भी दोनों दोनों अडाप्टर एक साथ चला सकते हैं तो आपकी वर्चुअल टू वर्चुअल भी होगा और वर्चुअल टू बेस बेस वर्चुअल टू मशीन। फिजिकल भी हो जाएगा। हाँ, दोनों दो दो अडाप्टर ओके चलते हैं, दो से ज्यादा अडाप्टर लगा सकते हो, दो से ज्यादा हार्ड डिस्क लगा सकते हो, जितना चाहे, ठीक है। अप्लाई ये करना है, ओके थैंक करना है, यू। ये देखो ऐड हो गया फाइनली। बस अब ये रन कर लीजिए, आप अपनी मेन मशीन से इस पे जो आईपी दिए हुए हैं वो पिंग करिए, रिप्लाई लेगा। बट ये इसमें याद रखना है कि आप यहाँ पे अगर 10.0.0.10 की आईपी है तो इसमें उसी रेंज का, अब यहाँ 192 नहीं दे देंगे। यस यस सर, समझ नेटवर्क गया मैं। तो नेटवर्क मतलब कम्युनिकेशन के लिए तो आईपी सेम नेटवर्क की होनी चाहिए ना, नहीं तो मशीनें कहाँ कनेक्ट हो पाएंगी, फिर राउटर हाँ वगैरह हाँ लगाना पड़ेगा, सेम राउटिंग रेंज की करानी आईपी पड़ेगी। होनी चाहिए। हाँ हाँ ओके ये ऑप्शन है, ओके समझ तो गया। स्विच मैनेजर करना पड़ेगा, वो भी प्राइवेट, सॉरी ओके एक्सटर्नल एक्सटर्नल नॉट प्राइवेट। एक्सटर्नल नॉट प्राइवेट प्राइवेट। में सिर्फ और सिर्फ यस अपने मशीन के लिए होगा और यस वर्चुअल टू वर्चुअल होगा इंटरनल, ठीक है। ओके ओके और कोई? हेलो हाँ जी, सर, मैंने एक यूजर बने थे सर मेरे सर्वर में, यूजर तो बनाया मैं था आपने? एक, हाँ, यूजर बनाया था, एक यूजर वन बोल के बनाया था। तो जब मैं उसको लॉग इन कर रहा था क्लाइंट मशीन पे, मैंने क्लाइंट विंडोज 7 बनाया था क्लाइंट मशीन, तो मैं लॉग इन करने लगा तो मुझे लॉग फैन इन हो चल रहा रहा है, था एक, बहुत तेज अच्छा आवाज आ रही है पीछे से। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर। हेलो, बोलिए, नॉइस तेज है बैकग्राउंड में हाँ आपके। अच्छा, तो सर मुझे एक एरर आ रहा था, द ग्रुप पॉलिसी क्लाइंट सर्विस फेल्ड द लॉग इन, और नीचे एक्सेस डिनाय बोल के आ रहा था, और वो लॉग इन नहीं हो रहा था वो देखो, यूजर। अगर डिफॉल्ट पॉलिसी, म्यूट कर देता हूँ मैं आपको, फिर समझाता हूँ। डिफॉल्ट पॉलिसी अगर आपने लगा दिया है, ठीक है, डिफॉल्ट पॉलिसी है, कोई पॉलिसी नहीं है, और आपने डोमेन ज्वाइन किया है विंडोज 7 से, तो कोई भी यूजर आसानी से लॉग इन हो जाएगा, कोई पॉलिसी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट अगर सर्वर एंड से किसी ने पॉलिसी लगाकर उसको डिनाई कर दिया है कि आप उसको डोमेन में ज्वाइन नहीं कर सकते, अलाउ लोकल लॉग इन क्या है, डिनाई कर दिया गया है, तो आप नहीं कर सकते उसको, ठीक है। पर ये सर सेटिंग मैंने ऐसा कुछ डिनाई नहीं किया था उसको, मतलब ऐसा कुछ पॉलिसी न्यू वगैरह मशीन मैंने कुछ बना, दिए मतलब नहीं थे। न्यू यूजर बनाया था आपने, हाँ, नया यूजर था, मेरे दूसरे यूजर लॉगिन हो रहे थे, बट यही यूजर मेरा तो लॉगिन जो नहीं हो रहा था। यूजर है आपका जो सर्वर, उसमें देख लो कोई पॉलिसी तो नहीं चल रही है पहले से, हमारे डोमेन लेवल पे कोई पॉलिसी तो नहीं है, GPMC.MSC। अरे अभी यहाँ पे पॉलिसी जब तक डोमेन नहीं क्रिएट होगा तब तक नहीं आएगा, है ना।
तो पूरी पॉलिसी मैं पढ़ाऊंगा, उसमें देख लेंगे, ठीक है। यूजर का भी परमिशन मैं दिखाऊंगा, जीपीयू जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मैं उसको अगर दिखाऊंगा दूसरा सर्वर ऑन करके, वो करना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बस इसी के जस्ट बाद लैब करेंगे। तो यहाँ पे एक और सेटिंग हमारी बची हुई है। अभी मैंने कुछ चेंजेस किया, हाइपर बी भी इंस्टॉल कर दिया, बहुत सारे चेंजेस किया। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ रिस्टोर हो जाए, तो मैं इस वाले न्यू मशीन, एक मैंने स्नैपशॉट ले रखा है, आप यहाँ से जितना चाहे उतना स्नैपशॉट ले लेंगे। देखो कह रहा है यू आर हियर, तो ठीक है मैं टेक स्नैपशॉट करूंगा, तो इसका स्नैपशॉट बन जाएगा, इसी कंडीशन में इस मशीन का एक स्नैपशॉट बन जाएगा। तो मैं यहाँ से पुराना जो बना हुआ है उसको क्लिक करूंगा, और कह रहा है कि डू यू वॉन्ट टू रिस्टोर, यस। अब जब रिस्टोर करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, मशीन रिबूट होगी। अभी देखिएगा सब कुछ डिलीट हो चुका होगा, जो पहले मैंने अभी रोल इंस्टॉल किया है, ये देखो सब कुछ हट गया बिल्कुल, जो फोल्डर वगैरह बनाया था सब हट गया ना, एक बिल्कुल नया सर्वर हो गया। सही है, अब यस यहाँ पे सर। हाइपर वी भी नहीं इंस्टॉल होगा, देखो कोई भी रोल नहीं है, टूल्स के अंदर हाइपर वी भी नहीं है, ठीक है। और जो मैंने वर्चुअल हार्ड डिस्क कभी एक 5 GB का ऐड किया था, वो भी नहीं यहाँ पे होगा। तो ये हमेशा बना के रखेंगे, जैसे कुछ काम करते समय डिस्क वर्चुअल मशीन में कोई इशू आ गया तो आप उसको रिस्टोर कर पाओ, क्लियर है। यस सर, यस सर, तो ये पूरा सेटिंग है, और अभी हमारा वर्चुअल मतलब कि मशीन का कॉन्सेप्ट क्लियर पूरा नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को पढ़ना है वर्चुअल मशीन में, मैं आपको कुछ टॉपिक दिखाऊं, स्टोरेज, है ना, क्योंकि ये सारे स्टोरेज आपके वीएमवेयर पे ही पॉसिबल हैं, क्योंकि हमारे पास लाइव सर्वर यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, और उसको लाइव सर्वर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको स्टोरेज खरीदना पड़ेगा, है ना, 3 4 5 हार्ड डिस्क खरीदनी पड़ेगी, ये सब। तो जैसे डिस्क खरीद के आप एक रैक में सेट करते हो, वैसे ही आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने वर्चुअल मशीन के अंदर कैसे एक वर्चुअल रैक क्रिएट करके उसमें सारी हार्ड डिस्क मैनेज करेंगे, पूल बनाएंगे, मिरर करेंगे, रैड कॉन्फ़िगर करेंगे, बैकअप बनाएंगे, फेलओवर करेंगे, डेटा डीडुप्लीकेशन करेंगे, सब कुछ यहाँ पे नेक्स्ट लैब हमारा 6 मॉड्यूल चलेगा, बट कल चलेगा। अभी इसको पहले थोड़ा सा डिस्क वगैरह के बारे में पढ़ाएंगे, VHD क्या है, SCSI क्या है, SSD क्या है ना, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। तो अभी 15 मॉड्यूल सर हम लोगों का बाकी है। हाँ बताइए। ये वी सेंटर से भी कुछ अपन डीएम मैनेज कर सकते हैं। वी स्फेयर, वी सेंटर, हाँ, वी स्फीयर बड़ा हुआ है। वी स्पेयर का मैं ट्यूटोरियल आपको पूरा सेंड कर देता हूँ, क्योंकि वो अलग सर्टिफिकेशन है, अगर आपको उस पर काम करना है तो मैं शेयर कर देता हूँ, आप उसमें से पढ़ लेंगे। मैंने लाइव कंप्लीट बताया हुआ है, यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे 365 एडिशनल मैं ऐड करा ही करा हूँ, अगर एडिशनल ऐड करेंगे बहुत लंबा सिलेबस चला जाएगा, है ना। मैं आपको शेयर कर देता हूँ, सभी लोग पढ़ लेंगे, ये हेल्प करेगा।